टर्मिनल 3 पे इसका ड्रॉप ऑफ है, वो दिल्ली आएगी, उनकी फ्लाइट है, वो आपसे रिसीव। हाँ लेकिन मैम वो उस पर आना पड़ेगा ऊपर डिपार्चर पे, क्योंकि आप कहाँ से आए? कहाँ से मैम, मैं तो राइडर हूँ ना, मेरे को तो डिलीवर करना होता है। सो दोस्तों यार ये देख लो यार, आधे घंटे से भाई राइड जा रही थी भाई, गौरव भाई को फ़ोन मिला, मैंने भाई राइड नहीं आ रही भाई, फ़ोन मिलाते ही भाई ओला पे भी राइड आ गई। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज है भाई 8 मार्च, और भाई टाइम की बात किया तो भाई 3:30 हो रहे हैं यार अभी भाई, आज बहुत ही लेट निकले हैं यार, क्या करें भाई, वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, सुबह लेट उठे थे, फिर देखा यार मैंने वीडियो एडिट कर ही नहीं रखी और अपलोड भी करनी है, तो फिर उस चीज़ में थोड़ा आलस हो गया, बट कोई बात नहीं यार निकल चुके हैं। और भाई हमने भाई आज ले रखा है अपना ऑफलाइन ऑर्डर, भाई एक सब्सक्राइबर है हमारे भाई, भैया हैं भाई द्वारका से, भाई कह रहे भाई कि गुड़गांव में एक मेरा पार्सल है, आपको वो लेके आना है, अगर आपका टाइम हो तो लेके आ जाना। मैं क्या, कोई नहीं यार लेके आ जाएंगे, द्वारका का पार्सल है, हमें दिल्ली की रेट चाहिए रहती है, तो मैंने बोला कोई नहीं टाइम का इशू कोई है नहीं भाई, पार्सल पिक कर लिया मैंने भाई, कोर्ट है चलते से लेके भाई, 17 किलोमीटर डिस्टेंस है, 35 मिनट लगने वाले यार, चले बहुत बढ़िया यार, पहला ही ऑर्डर इतना बढ़िया, चलते हैं यार इसे डिलीवर करते हैं, फिर मिलते हैं यार आपसे। सो दोस्तों भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने भाई, और उसके मिले थे भाई हमें 17-18 किलोमीटर के 200 रुपये, चले सही यार। बाकी यार नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास आ चुकी है, अपने को जाना है भाई वसंत कुंज भाई, रैपिड पर आई है, चलते हैं यार कस्टमर को पिक करने, मैं पिकअप भी पास से यार 300 मीटर। भाई यार ये क्या पानी भरा हुआ है, OTP मैम क्या मैम, पहले आ चुके हो? नहीं मैम मुझे तो नहीं याद आ रहा, उसी के पास था एक। अच्छा हाँ। मैं तो शायद, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको, इस ऑफिस को कभी देखा नहीं पहले। OTP 4432। हाँ जी जरूर, हाँ हाँ बैठ, हाँ पकड़ लूँगा मैं, इतना काम आ रही है। हाँ जी मैम हेलमेट तो पहनना ही पड़ेगा। दोस्तों काम करते पिक कर लिया भाई, भाई अपने को जाना है भाई वसंत कुंज, चलते हैं यार 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, करते हैं भाई उनको ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपसे, कंफर्म कर दो ड्रॉप के लिए क्या मैम, तो कंफर्म तो करो पहले तभी तो आएगा, रैपिडो ऐप में कंफर्म करो पहले, आप कहीं पे कंफर्म करो कि आप कहीं पे उतरना है। दोस्तों यार मैम को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने भाई रैपिडो में, और भाई 15 किलोमीटर के अपने मिले हैं, 15.5 किलोमीटर के 128 रुपये भाई, बहुत ही कम मिले यार, कोई बात नहीं। ये सुल्तान से मिलना है आप, डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट लेके आना है। हाँ ले रहा हूँ भैया, ठीक है जल्दी है क्या आपको? अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं कहीं जाना नहीं, पूछ रहा हूँ कहीं ओके ओके ठीक है पिक कर लिया मैंने ओके। सो दोस्तों भाई रैपिडो का पार्ट, रैपिडो कह रहा हूँ ऊबर का पार्सल फिर मैंने पिक कर लिया भाई, अपने को जाना है भाई कालका जी, चलते हैं यार, कितना कितना किलोमीटर डिस्टेंस है दिखाई नहीं मैंने, हाँ 17 किलोमीटर डिस्टेंस है, 37 मिनट लगने वाले हैं, 40 मिनट मान लो यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चले कोई नहीं करते हैं इसे डिलीवर। आप कहाँ से आए? कहाँ से मैम, मैं तो राइडर हूँ ना, मेरे को तो डिलीवर करना होता है बस। हाँ ओके, मिठाई है? हाँ मिठाई है। ओके हाँ जी सर मिल गया, मैंने फ़ोटो खींच लिया, OTP बता दीजिए। सो दोस्तों भाई एक कमाल की चीज़ हो गई यार भाई, मैंने ऊबर पर जो पार्सल पिक कर रखा था भाई, जैसे मैंने पिक किया उसे तो भाई रैपिडो पर भी पार्सल की राइड आ गई, वो भी कहाँ की भाई, ओखला की भाई, ओखला भाई कालका जी के एकदम पास में है यार, और मैंने पिक भी कर ली
अब जैसे पार्सल पिक किया मैंने, फिर ये भी पिक करने आ गया। तो भाई अब पहले ऊबर वाले पार्सल को पिक कर मतलब ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1.5 से 2 किलोमीटर होगा मतलब ओखला वाला पार्सल। सो भाई मतलब एक राइड में डबल पार्सल, मतलब डबल पार्सल कह सकते हैं आप एक ट्रिप में, भाई बहुत ही बढ़िया। ऑलमोस्ट मतलब कितना 15-17 किलोमीटर इसके थे और 17 किलोमीटर उसमें भी है, मतलब 350 के आसपास तो बन जाएंगे भाई। चले बहुत बढ़िया। ये दिया था पूरा उन्होंने 172। हाँ जी दोस्तों, पार्सल तो भाई डिलीवर कर दिया हमने और भाई अपने को मिले हैं 17 किलोमीटर के 174 रुपये। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं यार रैपिडो वाले पार्सल को डिलीवर करने। भाई यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 किलोमीटर 10 मिनट। चलिए कोई नहीं, करते इसे डिलीवर। एक मिनट रुपये, OTP की बात पर चलेगा, बता OTP होगा एक। हाँ जी हाँ जी, मैसेज पे आया होगा आपके। हाँ जी 0370 मैम, पेमेंट ऑनलाइन है ठीक है। ओके वेलकम। सो भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने और यार इसमें मिले हमें 16.8 किलोमीटर दिखा रहा है ये, बट 17 किलोमीटर मान लो आप यार, 17 किलोमीटर का अपने को मिले 191 रुपये। भाई बहुत ही बढ़िया। बाकी यार वैसे तो टोटल हम कितने 21 से मुश्किल से 22 किलोमीटर चले होंगे और 22 किलोमीटर के 191 इधर और 174 उधर, मतलब भाई 360 रुपये के आसपास बन गए भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए सही है, अब देखते हैं यहाँ से कोई बढ़िया सी राइड मिल जाए हमें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड भी अपनी। सो दोस्तों यार ये देख लो यार, आधे घंटे से भाई राइड नहीं आ रही थी भाई, गौरव भाई को फ़ोन मिला मैंने, भाई राइड नहीं आ रही भाई, फ़ोन मिलाते ही भाई ओला पे भी राइड आ गई और ऊबर पे भी। भाई ऊबर पे जाना है अपने को Terminal 3 पार्सल लेके और ओला पे जाना है भाई 2 लाख वहाँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, पिकअप भी दोनों का भाई सेम जगह से दिखा रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ पहले सामान को पिक कर लेता हूँ और ओला का जब फ़ोन आएगा ना तो उनको बोलूँगा भाई 2 मिनट वेट कर लो बस मैं आ रहा हूँ 2 लाख वहाँ उनको छोड़ के फिर निकल जाऊँगा। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है, मतलब कस्टमर अगर मान रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं 2 लाख वहाँ वाले को कैंसिल कर देंगे भाई, और क्या। देखते हैं भाई यार डबल गेम कैसे चलता है हमारा, होता है सक्सेसफुल कि नहीं। चले मिलते हैं आपसे, आप ड्रॉप कर रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। हाँ जी रुतबा, ये Terminal 3 पे इसका ड्रॉप ऑफ है, आएगी उनकी फ्लाइट है वो आपसे रिसीव। हाँ लेकिन मैम वो उस पर आना पड़ेगा ऊपर डिपार्चर पे, क्योंकि बाइक ना ओनली डिपार्चर पे अलाउड है। सेकंड फ्लोर पे T3 है ना, T3 ऊपर डिपार्चर, तो आप उनको बोल देना T3 डिपार्चर पे ऊपर आ जाए वो। ठीक है हाँ ठीक है, ये बैग लेके जाना ना, ये ना इंटरनेशनल जाना, ये सामान बिल्कुल हाथ में पिन लेके दे दीजिएगा। मैं हाथ में ही दूंगा मैम, टेंशन मत लो आप। हाँ ओके और कोई इशू नहीं मैम, वेलकम। सो दोस्तों भाई हमने पार्सल तो पिक कर लिया भाई, बैग है यार हमें ले जाना है भाई इसे T3। चलते हैं यार भाई, सामान तो पिक कर लिया हमने, अब भाई 2 लाख वाले बंदे को पिक करते हैं फटाक से भाई। अरे यार इधर ट्रैफिक लग रहा है पूरा, जाना अपने को इधर से ही है, पूरा ट्रैफिक लग रहा है, क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। इतना देर हमने भाई बंदे को बोल दिया भाई प्लीज़ वेट कर लो, थोड़ा सा और वेट करवा देंगे हम, बट कोई बात नहीं यार, करते हैं पिक फिर मिलते हैं आपसे। 3-2 कर लो यार, इतना टाइम ही नहीं। अरे यार पहली बार इस एरिया में आया पूरा मैं, अब पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक क्या बोलूँ मैं, बैठ जाओ चले। बाइक जाने की जगह नहीं है, वो गाड़ी जा रही है उसमें बताओ। दोस्तों भैया को तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने को जाना है भाई 2 लाख वहाँ। चलते हैं यार, 16 किलोमीटर डिस्टेंस है और वहाँ से आई थिंक 8-10 किलोमीटर और होगा T3, मतलब 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर की मतलब उसमें मेरे ख्याल से यार ओवरऑल राइड में हमारे 300 रुपये के आसपास बन जाएंगे आई थिंक, 280 या 300, बाकी इसमें तो 150 के आसपास। चलिए ठीक है यार भाई, आज तो भाई 2 डबल डबल राइड हुई है, मतलब हो जाएगी जिससे थोड़ा काम बड़ी हो जाएगा। चलिए ड्रॉप करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है भैया। सो दोस्तों भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने भाई 2 लाख वहाँ। यार पैसे कब मिले यार, वैसे तो 150 पहले दिखा रहा था लेकिन यार चले ज़्यादा यार,
थोड़ा हमने मतलब लॉन्ग रूट लिया जल्दी आने के लिए, लॉन्ग मतलब आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आया, ज़्यादा ही आए मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं यार, जल्दी आ गए ना वो बड़ी बात है। बाकी अब चलते हैं यार, हमें जाना भाई T3 भाई, इस बैग को डिलीवर करना है यार। देखिए जरा कितना डिस्टेंस है यहाँ से, 10 किलोमीटर, मैंने बोला था 10 किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर बोलता मैंने। चलते हैं, आधा घंटा दिखा रहा है यार। चलिए डिलीवर करके मिलते हैं आपसे, कॉल कर देंगे यार कस्टमर को वहाँ पे पहुँचने से पहले, 2-3 मिनट पहले कॉल कर दूँगा कि भाई आ जाओ डिपार्चर पे, नहीं तो भाई वहाँ जाके वेट करेंगे फिर वही बेकार। चलिए ड्रॉप करके मिलते हैं आपसे। पेमेंट हो गया? हाँ चेक कर रहा हूँ मैं एक बार। नेम पेमेंट नहीं हुआ है, 308। मैम पिन भी होगा एक, हो गया। सो दोस्तों भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने भाई, और इसके मिले हैं 312 रुपये भाई, 29 किलोमीटर के 312 मिले यार। यार मुझे तो लगा थोड़े और मिलेंगे, बट कोई बात नहीं यार, ठीक है यार। यार हमारे पास रैपिडो पे राइड आ रखी है गुड़गांव सेक्टर 12 की भाई, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब कस्टमर को बोलता हूँ भाई तू आ जा इधर टर्मिनल, ये कहाँ है टर्मिनल 2 पे कैसे जाऊँगा भाई मैं, टर्मिनल 2 अलाउ है क्या जाना। तो दोस्तों भाई रैपिडो पे राइड आ रखी है हमारे पास, अपने को जाना भाई गुड़गांव सेक्टर 12। अरे भाई बहुत ही बढ़िया यार, मतलब भाई ना होम रोड को सीधा रैपिडो भेज रहा है मैं घर शाम के टाइम, भाई बहुत ही बढ़िया। चलते पिक करते हैं, मतलब पिकअप तो यार थोड़ा सा दूर है बट कोई बात नहीं यार, टर्मिनल 2 से पिकअप है 2 किलोमीटर से, पिक करते हैं यार सीधा घर जाएंगे इसके बाद। आप क्या भाई विकास? विकास आप ही हो? अच्छा हाँ, नंबर दूसरी बाइक लेके आया यार आज मैं। OTP बताना भैया। हाँ 8226। चलिए बढ़िया है। तो दोस्तों भैया तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने बताना भाई गुड़गांव सेक्टर 12 भाई, एकदम मतलब घर के पास ही पहुंच जाएंगे यार। वहाँ से घर आई थिंक 5-6 किलोमीटर होगा, आई थिंक 5-6 किलोमीटर होगा, 19 किलोमीटर डिस्टेंस है यार। चलते हैं ड्रॉप करते हैं मेरे को, फिर मिलते हैं आपसे। हो गया भाई, ठीक है भैया, वेलकम। सो दोस्तों भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने भाई सेक्टर 12 गुड़गांव, और भाई अपने को मिले इसमें 265 रुपये, 29 किलोमीटर के 265 भाई, क्या बताऊँ भाई। एयरपोर्ट से निकलने में भैया मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, भाई पुलिस वाले ने भाई कट्सी बंद कर रखे थे भाई गुड़गांव की तरफ जाने वाले, तो वो तो मुझे पता था भाई कि एरो सिटी के अंदर जाके हम महिपाल रोड घुस सकते हैं, तो भाई काफ़ी किलोमीटर बचा लिए, वरना भाई तो रास्ता तो भाई बहुत लंबा दिखा रहा था उधर से दिल्ली कैंट की तरफ से आगे तक एकदम। चले कोई नहीं भाई, भैया को ड्रॉप कर दिया हमने, और भाई अब देखते हैं यहाँ से कोई राइड करें यार सीधा घर जाएँ यार, घर हमारा 5 किलोमीटर है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ घर ही चल लेते हैं यार, काम तो हमारा काफ़ी बढ़िया हो गया आज हमारा 625 का रैपिडो पे। बाकी अब सीधा घर बताता हूँ मैं आपको क्या होता है टोटल। दोस्तों यार 10 बजे के आसपास हम घर आ गए थे यार, और भाई बात की जाए अर्निंग की यार, तो भाई 462 का हमने भाई ऊबर पे किया था, 150 का ओला पे, 625 का रैपिडो पे, और भाई जो हमारा पहला ऑर्डर था भाई वो 200 रुपये का था। सो बात की जाए पेट्रोल की यार, तो बाइक चल चुकी थी हमारी भाई 125 किलोमीटर घर तक, भाई बाइक ज़्यादा चली नहीं है क्योंकि हमने डबल पार्सल किए थे आज। और भाई बात की जाए टोटल अर्निंग की, तो भाई टोटल अर्निंग जो हुई थी हमारी पहले 1437 रुपये भाई हुई है 6.5 घंटे में, 6.5 घंटे में घर पहुँच गया था मैं, 3:30 बजे घर से निकला था मैं और घर पहुँच गया 10:05-10:06 पे। सो मतलब अगर बाइक के पेट्रोल की भी अगर हटा दें तो 1227 रुपये बचे यार हमें, 1227 6 घंटे 6.5 घंटे काम करके भाई, इससे ज़्यादा मैं काम अब तक किया नहीं। आई थिंक एक बार मैंने पहले भी किया था, बहुत पहले एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग जब निकला था मैं तो 4 घंटे में आई थिंक 1000 रुपये किए थे मैंने, लेकिन भाई ये 6 घंटे में शाम के टाइम मतलब दोपहर में 3:30 बजे निकल के रात के 10 बजे घर आया मैं और 1227 बचे यार, भाई बहुत ही बढ़िया यार भाई। ये तो ऐसे भाई ये काम इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने दो बार डबल पार्सल किए हैं, मतलब पहले मतलब रैपिडो ऊबर पे दोनों साथ ले गए थे ओखला और कालकाजी, और फिर वहीं से लेके आए थे उसी साइड से दो लखवा और टर्मिनल 3,
तभी हो पाई है, वरना इतना हो नहीं पाता। सही यार, मतलब कभी कभी आपका मतलब लक चल जाता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, और ये भी देखना पड़ता है कि भाई आप मतलब सेम रूट पे अगर जा रहे हो तो अगर आपका बनता है मतलब टाइमिंग और वो सही बैठता है तो कर लेते हैं आप। बाकी ठीक है यार, अब बताओ यार आपको मतलब अर्निंग कैसी लगी यार? आप भी मतलब देख के शौक गए होंगे, भाई भाई कैसे, भाई कैसे कर लिया 6 घंटे में। हाँ भाई हो गया भाई। बाकी ठीक है यार, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करना दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को यार। चलिए मिलते हैं आपसे कल इससे भी और मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।